तो दोस्तों आज है मेरे पास आपके लिए आयरुसु की तरफ से आने वाला 20 ईयरबड्स। और ये जो ईयरबड्स है ये नॉर्मल ईयरबड्स से काफी अलग है क्योंकि इसके अंदर आपको एक पावर बैंक भी मिल जाता है, यानी आप इससे मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं और ईयरबड्स में गाने भी सुन सकते हैं, कॉल पे बात भी कर सकते हैं। काफी प्रीमियम किस्म का प्रोडक्ट है। मैं इसका एक गिव अवे भी करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अनबॉक्सिंग करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी, नो ड्रामा नो क्लिक बैट ओनली टेक। तो दोस्तों ये है आयरुसु की तरफ से आने वाले 20 ईयरबड्स और ये है इनका बॉक्स। और इस बॉक्स को हम इस तरह ओपन करते हैं स्लाइड करके, यहां पे मैं इसको हटा देता हूं कवर को और यहां पे ब्लैक कलर का एक बिल्कुल प्लेन बॉक्स और मिल जाता है। इस बॉक्स पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है और यहाँ पे दो सील है जो हमें कट करनी पड़ेगी नाइफ से, तो मैंने नाइफ से कट कर दिए। तो दोस्तों फाइनली मैं बॉक्स को करता हूँ ओपन और देखते हैं कि भाई इनमें हमें क्या क्या कंटेंट मिलता है। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरह से बॉक्स की पैकिंग है और यहाँ पे सबसे पहले मिल जाता है आपको यूजर मैनुअल। तो आप यूजर मैनुअल को देख सकते हैं, इस तरह का यूजर मैनुअल है। इसको मैं भी रख देता हूँ साइड में और यहाँ पे हमें मिल जाता है एक और पैकेट और इस पैकेट के अंदर एसेसरीज ही होंगी क्योंकि मैंने बहुत सारे ईयरबड्स अनबॉक्स किए हैं मेरे इस चैनल पर। तो चलिए करते हैं इसको ओपन और देखते हैं कि इसके अंदर हमें कौन कौन सी एसेसरीज मिलती है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी जो मुझे बात है लगी है वो ये है कि यहाँ पे आपको टाइप सी का चार्जिंग केबल मिलता है, यानी कि टाइप सी का ये चार्जिंग केबल है, इससे आप इसके चार्जिंग केस को चार्ज कर पाएंगे। तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पे हमको मिल जाते हैं कुछ ईयर टिप्स। और यहाँ पे जो ईयर टिप्स है उनको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन में कुछ मल्टीपल अलग अलग साइज के ईयर टिप्स जिनको आप अपने कान के साइज के हिसाब से एडजस्ट करके ईयरबड्स को यूज कर पाएंगे। तो इनको भी मैं रख देता हूँ साइड में और यहाँ पे मिल जाता है हमको एक चार्जिंग केस। और हाँ, ये जो बाकी नॉर्मल ईयरबड्स होते हैं उनसे थोड़ा सा ज्यादा वजन है इनका क्योंकि इसमें 2000 mAh का एक बैटरी दी गई है, यानी कि ये जो चार्जिंग केस है ये आपके ईयरबड्स को तो चार्ज करेगा ही करेगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि ये एक पावर बैंक का भी काम करेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए ये जो चीज है ये मेटल की दी हुई है, यहाँ पे प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे नीचे बॉटम में मेटल का इस्तेमाल किया गया है। तो चार्जिंग केस की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, आयरुसु की ब्रांडिंग यहाँ पे दी गई है। साइड में अगर देखें लेफ्ट साइड में तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है जो है टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। और अगर राइट साइड में देखें साइड में तो यहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट भी मिल जाता है। जी हाँ, आप इसे पावर बैंक की तरह भी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम चार्जिंग केस को जब ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए ये बैटरी का परसेंटेज भी दिखाता है, यहाँ पे एक एलईडी लगी हुई है और यहाँ पे आपको बता देता है कि भाई बैटरी में कितना परसेंटेज अभी बाकी है। तो यहाँ पे इसको भी मैं अभी रख देता हूँ साइड में और यहाँ पे निकालते हैं फाइनली हमारे ईयरबड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो ईयरबड्स है वो ब्लैक कलर के हैं और कुछ इस तरह का डिजाइन है। आयरुसु की ब्रांडिंग भी यहाँ पे आपको मिल जाती है और यहाँ पे आपको माइक भी दिया गया है। अगर सामने की तरफ से बात करूँ तो ईयरबड्स कुछ इस तरह से आपको दिखाई देते हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको दिखाई देते हैं। तो ये फाइनली ईयरबड्स है और इनको अगर मैं इनके केस में वापस डालता हूं तो आप देखिए किस तरह से यहां पे मैंने इसको डाल दिया है। तो यहां पे देखिए चार्ज होने लग जाएंगे और ये कुछ ग्रीन लाइट जो है इसमें दिखाई देगी और यहां पे आपको परसेंटेज दिखाई देगी कि कितना परसेंटेज अभी बैटरी जो है बाकी है इस चार्जिंग केस के अंदर। अनबॉक्सिंग तो आपने देख ली इन आयरुसु की तरफ से आने वाले 20 ईयरबड्स की। बात करूंगा भाई मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इनके साथ, क्योंकि मैंने इनको यूज किया है, गाने भी सुने अलग अलग तरह के, कॉल पे बात भी की है, मैं कैसा महसूस करता हूँ इनको यूज करते वक्त। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका जो चार्जिंग केस है वो काफी प्रीमियम किस्म का है, मेटल की बॉडी है उसमें। इसके अलावा उसके अंदर एक एलईडी भी मिल जाती है जहां पे आपको ये पता लग जाता है कि भाई कितनी चार्जिंग बची हुई है। तो यार बहुत ही प्रीमियम लगता है देखने में, तो ये मेरे को सबसे अच्छी बात लगी। दूसरी अगर बात करूं तो वो सबसे अच्छी बात लगी बैटरी बैकअप, क्योंकि 2000 mAh की बैटरी है इसके चार्जिंग केस में, ये 60 mAh का है। एक बार चार्ज कर लिया आप 5 से 6 घंटे तक इसका मजा ले सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। अब यहाँ पे सोचो 60 mAh का है, 2000 mAh की बैटरी है तो आप कितनी बार चार्ज कर सकते हैं, तो बैटरी बैकअप आपको भरपूर मिलने वाला है। इसके अलावा इसका जो चार्जिंग केस है ये पावर बैंक का भी काम कर देता है, यानी कभी अगर मोबाइल की बैटरी डाउन हो तो आप मोबाइल को भी चार्ज कर पाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद बात करते हैं कि भाई अगर हम मान लीजिए जॉगिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें स्वेटिंग होती है, या मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, कहीं भी रेन हो रहा है हल्का फुल्का, तो पानी से इसको डर तो नहीं है? बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि IPX6 वाटर रेजिस्टेंट ये ईयरबड्स है, मैंने इसको चेक किया है, आप देख सकते हैं पानी में कोई दिक्कत इनमें नहीं आती है। इसके अलावा बात करें साउंड की तो मैं आपको बता दूँ वायरलेस स्टीरियो 9D साउंड इसमें मिल जाता है, बहुत ही गजब का साउंड है,
बहुत अमेजिंग लगा मुझको, लाउड भी है, क्लियर भी है, बेस बहुत ही अच्छा है। मैंने अलग अलग मूड के गाने सुने तो मुझे काफ़ी मज़ा आया। कॉल पे बात करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आप इजीली बात कर पाते हो। ब्लूटूथ 5.0 यहाँ पे मिल जाता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको जो कनेक्टिविटी लैग जो देखने को मिलता है बाकी नॉर्मल ईयरबड्स में वो बिल्कुल भी नहीं मिलता, हमेशा ये कनेक्ट रहते हैं, आपको कोई भी लैग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा टच जो है इनका वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप टच यूज़ करके गाना चेंज कर सकते हैं, गाने को पॉज कर सकते हैं, गाने को प्ले कर सकते हैं, वॉइस असिस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। इनका जो टच कंट्रोल है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लुकिंग आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है लुकिंग, जब हम कान में पहनेंगे काफ़ी कंफर्टेबल है और एक अच्छा फील देते हैं, एक प्रीमियम फील देते हैं। कीमत की बात करें तो भैया 6,999 रुपये इनकी कीमत है, और अगर अभी आप अमेजन से बाय करेंगे तो 3,599 में ये आपको मिल जाएंगे, बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे इन ईयरबड्स में कोई भी माइनस पॉइंट नज़र नहीं आया, एक छोटा सा मुझे माइनस पॉइंट नज़र आया, उसको मैं माइनस ना भी कहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि बस इसका जो चार्जिंग केस है वो मेटल बॉडी में है, बैटरी बड़ी है तो थोड़ा सा हैवी है, बाकी जो नॉर्मल ईयरबड्स आते हैं उनके चार्जिंग केस से क्योंकि वो बहुत लाइट वेट होते हैं, पर उतना हैवी नहीं है कि आप इसको कैरी नहीं कर सकते, आप इजीली पॉकेट में रख के कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे हल्का सा ही लगा, बाकी मैं इससे काफ़ी सेटिस्फाई हूँ। और भाई अगर बाय करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ही मिलेगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको इसका गिव अवे लिंक भी मिल जाएगा, क्योंकि मैं इसका गिव अवे क्लेम के थ्रू करने वाला हूँ, तो आप पार्टिसिपेट कीजिए। 5 नवंबर 2020 तक आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उसके अगले दिन मैं लाइव आकर इसका रिजल्ट अनाउंस करूंगा। एक रिक्वेस्ट है, इंडिया के लोग ही पार्टिसिपेट करें, क्योंकि बाहर ये प्रोडक्ट पहुंचाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। ये वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इसी तरह की वीडियोज मैं हमेशा आपके लिए बनाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।